हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास, क्लास नर्सरी, सब्जेक्ट मैथ्स। वी आर गोइंग टू राइट 11 to 15 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन है, राइट द नंबर 11 to 15। नंबर 11 हम यहाँ पे राइट करेंगे। 11 नंबर हम लिखने के लिए सबसे पहले वन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, मिडिल से स्टार्ट करेंगे, बीच सेंटर से डाउन साइड की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे एक छोटी सी नीचे डाउन साइड में एक स्मॉल स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, देन स्मॉल स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। ओके, फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे इसको, राइट द नंबर 11। इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, वन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग, वन स्लैंटिंग, राइट द नंबर 11। नेक्स्ट नंबर है, दिस इज नंबर 11। नेक्स्ट नंबर 12। 12 नंबर हम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए वन नंबर बनाएंगे, पहले डाउन साइड की तरफ लेके जाएंगे, वन स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, देन वन स्मॉल स्लैंटिंग, फिर यहाँ पे टू नंबर ड्रॉ करेंगे, एक स्मॉल कर्व बनाएंगे और डाउन साइड की तरफ इसको लेके वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, दिस इज नंबर 12। इसको यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे, दिस इज नंबर 12। नेक्स्ट नंबर 13 लिखने के लिए सबसे पहले हम वन लिखेंगे, उसके बाद टू कर्व बनाएंगे, हम राइट कर्व बनाएंगे, दिस इज नंबर 13। ओके, इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, वन स्टैंडिंग, देन स्मॉल स्लीपिंग, वन स्लैंटिंग और टू स्मॉल कर्व बनाएंगे, दिस इज नंबर 13। नेक्स्ट नंबर 14 लिखने के लिए पहले हम वन लिखेंगे, वन स्टैंडिंग लाइन, देन स्मॉल स्लीपिंग लाइन और वन स्लैंटिंग, और फोर बनाने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, वन स्मॉल स्टैंडिंग, बिग स्टैंडिंग लाइन, और इससे इसको मैच करते हुए वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, दिस इज नंबर 14। इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, दिस इज नंबर 14। नेक्स्ट है 15 लिखने के लिए हम पहले वन ड्रॉ करेंगे, वन आपको ऐसे ही बनाना है, और फाइव बनाने के लिए वन स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, देन वन स्टैंडिंग स्मॉल और एक स्मॉल कर्व बनाएंगे, दिस इज नंबर 15। इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, ओके 15, दिस इज नंबर 15। स्टूडेंट, जो नंबर हमने राइट किए हैं हम उसको फिर से काउंट करेंगे, ओके 11, 12, 13, 14, 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट इन इच बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स को देखकर इस नीचे वाले बॉक्स में आपको राइट करना है, ओके सेम नंबर राइट करना है। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में 11 लिखा है, 11, तो सेम नीचे वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे, यहाँ पर सेम नंबर लिखेंगे 11। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 13। तो यहाँ पे हम नीचे वाले बॉक्स में ये नंबर सेम नंबर राइट करेंगे, वन राइट करेंगे, पहले वन लिखेंगे फिर थ्री लिखेंगे, सेम नंबर 13। नेक्स्ट नंबर देखेंगे यहाँ पे 14, तो हम नीचे वाले बॉक्स में सेम नंबर लिखेंगे,
नेक्स्ट नंबर है 1515। तो इसी के नंबर, इसी के नीचे वाले बॉक्स में हमको 1550 राइट करना है। आई होप स्टूडेंट्स ये नंबर्स आपको बनाना आ गए होंगे। इन नंबर्स को आपको आपकी नोट कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।